हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल बेबी अमीन कौर। गाइस, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारा आज का वीडियो एंड तक देखिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो गाइस, लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज वीडियो। हमारा आज का वीडियो है बेबी डायपर्स के ऊपर। गाइस, एज ए पेरेंट ऑफ न्यू बॉर्न बेबी, हम बहुत सर्च करते हैं कि हमारे बेबी के ऊपर कौन सा डायपर अच्छा रहेगा कि उसको रैशेज तो नहीं होते हैं। तो डायपर्स जो है बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, टेप्ड एंड पैंट स्टाइल डायपर्स। जो टेप स्टाइल डायपर्स होते हैं वो न्यू बॉर्न बेबी के लिए बेस्ट होते हैं। उसका रीज़न ये है कि जो टेप है बेबी की वेस्ट के अकॉर्डिंगली हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो मेरे पास अभी हगीज का एक पीस है जो टेप स्टाइल डायपर है स्मॉल साइज़ में, तो ये भी मैंने अमीत के लिए मंगवाया था। तो पैम्पर्स का भी कुछ ऐसा ही होता है टेप स्टाइल डायपर, ये टेप होती है। तो इस टेप को हम बेबी ओपन करके, यहाँ से ओपन करके बेबी की वेस्ट के अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट कर सकते हैं लाइक दिस। तो एक तो बेबी की नवल भी अभी हील नहीं हुई होती है, तो अगर आपको इसको थोड़ा सा फोल्ड भी करना पड़े तो आपको इजीली यहाँ से ऐसे करके फोल्ड कर सकते हो। तो गाइस, ये हगीज का डायपर है, टेप स्टाइल डायपर। ये भी एक मैंने पैकेट मंगवाया था लेकिन इसको मैंने यूज़ नहीं किया। ये पैकेट अभी तक वैसे का वैसा ही है, इसको मैंने यूज़ क्यों नहीं किया ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगी। तो मैंने पैम्पर्स का ऐसा ही टेप स्टाइल डायपर उसके लिए यूज़ किया था। तो फर्स्ट टू मंथ्स तो उसके लिए जो हमने डायपर यूज़ किया था वो पैम्पर्स का न्यू बॉर्न बेबी था, उसमें न्यू बॉर्न और एक्स्ट्रा स्मॉल साइज़ आता है। देन थर्ड टू फोर्थ मंथ उसके लिए जो पैम्पर्स का एक्टिव बेबी आता है वो भी टेप स्टाइल में ही आता है। तो ये दोनों जो डायपर्स हैं, अप्रॉक्सीमेटली उसका जो कॉस्ट था वो पर डायपर हमें 10 रुपीज़ और 11 रुपीज़ पर डायपर पड़ता था। तो उसके बाद जैसे अमीर थोड़ी सी बड़ी हुई तो फिफ्थ मंथ में मैंने जो है उसके लिए पैंट स्टाइल डायपर यूज़ करने स्टार्ट कर दिए थे। तो पैंट स्टाइल डायपर जो होता है वो कुछ इस तरह का होता है, दिस इज़ पैम्पर्स पैंट स्टाइल डायपर। तो ये अभी लार्ज साइज उसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये उसका पीस है जो पैंट स्टाइल डायपर है, उसका एग्जाम्पल ऐसा होता है। तो ये जब आपका बेबी क्रॉल करना स्टार्ट कर देता है, बेबी इधर उधर मूवमेंट्स करने स्टार्ट कर देता है, तो जो टेप स्टाइल डायपर होते हैं वो बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं बेबी को पहनाने के लिए। तो उस टाइम पे हमें बेबी के लिए जो है पैंट स्टाइल डायपर स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो जो हमने अमीर के लिए पैंट स्टाइल डायपर यूज़ किया था वो भी पैम्पर्स का ही किया था। तो जो पैम्पर्स के बेसिक डायपर्स होते हैं उसमें एक एडवांटेज ये होता है कि उसमें एक येलो कलर की लाइन होती है। तो जैसे बच्चा सुसुपोटी करता है तो येलो लाइन जो है वो ग्रीन लाइन में कन्वर्ट हो, ब्लू लाइन में कन्वर्ट हो जाती है। तो हमें पता चल जाता है कि हमें बेबी का डायपर अभी चेंज करना है। तो दूसरा एडवांटेज जो न्यू बॉर्न बेबी और एक्टिव डायपर में ये था कि उसके जो पीछे जो टेप स्टाइल होती है उसको तो ईजिली रोल करके हम डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। तो उसके बाद पैम्पर्स का एक प्रीमियम केयर आता है। तो प्रीमियम केयर में जो है उसके पीछे टेप लगी होती है, उस टेप को आप रिमूव करके डायपर को रोल ऑन करके टेप को लगा के डायपर को डिस्पोज ऑफ कर सकते हो। तो पैम्पर्स का जो प्रीमियम केयर है उसमें भी पैंट स्टाइल आता है, तो उसमें जो पीछे टेप लगी होती है उसको आप रिमूव करके डायपर को डिस्पोज ऑफ कर सकते हो। प्रीमियम केयर अमीत के लिए यूज़ कर रहे थे, उसका जो प्राइस था वो भी 10 और 11 रुपीज़ पर डायपर हमें पड़ रहा था। तो जब तक वो फिफ्थ मंथ की हुई थी तो उसके लिए हम मीडियम साइज़ का डायपर यूज़ कर रहे थे। तो उसके हम डायपर्स जो है वो फर्स्ट क्राई और अमेज़ोन से ही परचेज़ करते थे। फर्स्ट क्राई पे वैसे भी बहुत सारी डिस्काउंट मिलता है, तो उसमें 50% डिस्काउंट पे भी डायपर्स मिल जाते हैं। तो अगर आप भी परचेज़ करना चाहते हो तो आप फर्स्ट क्राई से कूपन लगा के और डिस्काउंट पे डायपर्स ले सकते हो। तो उसके बाद हमने उसके लिए मैमी पोको पैंट्स भी यूज़ किया है। तो उसका भी मेरे पास एक पीस है, ये भी मीडियम स्टाइल का डायपर है। तो मैमी पोको पैंट्स भी टू टाइप्स के होते हैं, वन इज़ एक्स्ट्रा एब्जॉर्ब एंड दी अदर, इसमें एक कैटेगरी आती है स्टैंडर्ड। तो मैंने जो उसके लिए लिया था वो एक्स्ट्रा एब्जॉर्ब वाला लिया था।
ये डायपर भी बहुत अच्छा है इसकी, आप देख सकते हो ये जो इलास्टिक है दैट इज़ वेरी फ्लेक्सिबल। और इसमें अनदर एडवांटेज ये है कि इसमें थाई, ये जो एक्स्ट्रा लेयर है वो थाई लीकेज से बचाती है कि आपका जो बच्चे का सुसु है वो थाई से लीक ना हो। तो एक ये थर्ड जो इनकी बेनिफिट, ये लोग ये बताते हैं कि ये 12 आवर प्रोटेक्शन देता है बेबी को, बट ऐसा कुछ नहीं है। आपको बेबी का डायपर वैसे भी 4 to 5 आवर्स के बाद चेंज करना होता है, 12 आवर्स तक कोई भी डायपर बेबी के ऊपर प्रोटेक्शन नहीं देता है। अगर आपका बेबी ज़्यादा सुसु करता है तो वो 12 आवर तक नहीं चलता है, तो आपको बेबी का डायपर चेंज करना ही पड़ता है। और मैमी पोको पैंट्स में ये भी बोलते हैं कि इट प्रिवेंट्स हैवीनेस, बाकी सारे ब्रांड्स भी बोलते हैं कि दीज डायपर्स प्रिवेंट्स हैवीनेस, बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर बेबी ज़्यादा सुसु करता है तो आपका जो बेबी का डायपर है वो ऑब्वियसली हैवी होता ही है। बट मैंने अवनीत के लिए बेबी हक का डायपर भी ऑर्डर किया है अभी लार्ज साइज़ में, तो ये पैकेट आप देख सकते हो, ये मैंने फुली यूज़ कर लिया हुआ है। तो बेबी हक का जो डायपर है वो मोस्टली फर्स्ट क्राई में ही अवेलेबल होता है, ये 64 का काउंट साइज में, और ये हमने इकट्ठा ही 128 काउंट का ये पैड ऑर्डर किया था। तो ये जो हमें पैकेट है पूरा वो 1286 का पड़ा था, मीन्स 10 rupees का एक डायपर पड़ा था। तो बेसिकली जो बेबी हक में ये लोग क्लेम करते हैं कि सॉफ्ट एंड कंफर्टेबल, एंटी रैश एंड जेंटल, एंड विद एलोवेरा एक्स्ट्रा ऑब्जॉर्व ग्रीन एंड लेयर, तो ये सारी चीज़ें ये फुलफिल करता है जो बेबी हक का डायपर है। ये मेरे को बहुत ही अच्छा लगा और ये हमारे बजट के अकॉर्डिंगली बहुत ही अच्छा डायपर है जो बेबी हक का है। तो इसमें भी ये जो क्लेम करते हैं एक्स्ट्रा ऑब्जॉर्प्शन ग्रीन एंड लेयर, तो इस डायपर को भी आपको आफ्टर मैक्सिमम 5 to 6 आवर्स के बाद चेंज करना ही पड़ता है, अदरवाइज बेबी को रैशेज होने की प्रॉब्लम हो सके। बेबी हक का जो डायपर है बेसिकली कुछ इस तरह का है, यू कैन सी ये जो इलास्टिक है दैट इज़ वेरी सॉफ्ट, और इसका जो अंदर का पोर्शन है यू कैन सी दिस ग्रीन लेयर फॉर अब्सॉर्बिंग द पी, ये अंदर से भी डायपर जो है बहुत ही सॉफ्ट है। तो मुझे ये डायपर बहुत अच्छा लगा है और हमारे बजट में भी है ये डायपर, एंड यू कैन सी कि ये बहुत ही ब्रॉड है। और उसके बाद मेरे पास पैम्पर्स का भी ये पैकेट है अभी, तो इसमें भी लार्ज साइज़ हमने ऑर्डर किया था, 64 पीसीज है, ये भी हमें 1275 का पड़ा था फर्स्ट प्राइस से। तो अभी मैं आपको बताती हूँ, जैसे ये पैम्पर्स का है तो इसकी इलास्टिक भी सॉफ्ट है, बट एज जो बेबी हक की इलास्टिक है दैट इज़ मोर कम्फर्टेबल एज़ कम्पेयर टू पैम्पर्स, एंड इसमें एलोवेरा होता है इनसाइड, एलोवेरा की लेयर होती है। तो यू कैन सी कि बेबी हक का जो डायपर है दैट इज़ मोर ब्रॉड एज कम्पेयर टू पैम्पर्स वन। आई विल नॉट से कि पैम्पर्स का अच्छा नहीं है, पैम्पर्स का भी ये डायपर बहुत अच्छा है, बट मेरे को बेबी हक का ये जो डायपर है वो बहुत अच्छा लगा है, वो बहुत ही सॉफ्ट है। तो गाइज ये जो मेरे पास अगीज का पैकेट है स्मॉल साइज, तो ये मेरे पास एज इट इज़ पड़ा है। तो ये हमने क्यों नहीं यूज़ किया था, एक तो इससे अमनीत को रैशेज़ की प्रॉब्लम हो गई थी, आप देख सकते हो कि ये थोड़ा सा हार्ड है अंदर से, इतना सॉफ्ट नहीं है जितना कि बेबी हक और पैम्पर्स के डायपर सॉफ्ट होते हैं। हगीज़ का ये जो वर्जन है वो उतना सॉफ्ट नहीं है। हगीज़ में अभी और भी वेरिएंट्स आ गए हैं, जैसे हगीज़ नेचर केयर एंड हगीज़ प्रीमियम केयर, बट वो मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया है। मैंने हगीज़ का ये बेसिक वेरिएंट ही मंगवाया था, लेकिन भी अंदर से इतना सॉफ्ट नहीं है, उसको रैशेज़ हो गए थे, एंड मोर ओवर इसमें से एक फ्रेगरेंस आती है बहुत ज़्यादा आती है, जो कि मेरे को भी अच्छी नहीं लगती थी, तो मुझे लगा कि ये अवनीत को भी अच्छी नहीं लगेगी, तो इसलिए ये पैकेट एज इट इज़ हमारे पास पड़ा है, आप देख सकते हो। तो गाइज़ ये सारे डायपर्स हैं जो मैंने अभी तक अवनीत के लिए यूज़ किए हैं। तो अगर आप आपको ये डायपर्स अपने बेबी के लिए यूज़ करने हैं तो आप कर सकते हो, उसके लिए ट्राई कर सकते हो, आप नीचे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हो कि आप अपने बेबी के लिए कौन सा डायपर यूज़ कर रहे हो।
तो गाइज अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू गाइज़।